के विधायक सर मुजफ्फर हुसैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं इनका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। फूलकली गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित भव्य महादहीहंडी और महाभंडारा, सारे हमारे सदस्य इनका स्वागत करते हैं। और हमारे बड़े भैया राजकुमार मिश्रा जी भी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि दो शब्द कहें। आप सभी आरएमपी पार्क के रहवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे फूलकली गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, मेरा भाईंदर कांग्रेस की तरफ से ढेर सारी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सामने यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर की जो स्थापना है, ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग भगवान भोलेनाथ काशी की नगरी में विराजमान हो और काशी की धरती पे आदरणीय मुजफ्फर साहब बैठे हों, ऐसे ही लगता है। यहाँ पे बड़ा अपनापन लगता है। दोस्तों, अब नजदीक चुनाव आ गया है, तमाम सारी बातें होंगी उसमें, लेकिन इस शहर के लिए, इस शहर की सुंदर संरचना के लिए, इस शहर के शिल्पकार के रूप में आपने जो देखा है कि शहर को बनाने के लिए, बसाने के लिए जो एक आर्किटेक्ट प्लान बनाता है, उससे बड़ा प्लान, बढ़िया प्लान हम लोगों के बीच में, हम लोगों के प्रणेता, हम लोगों के मार्गदर्शक, हाल ही में नवनियुक्त महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष आदरणीय मुजफ्फर साहब ने ऐसा किया है। दोस्तों, आप लोग जाइए मीरा रोड स्टेशन के बाहर, जो आप लोग देखते हैं कि स्टेशन का जो भी सुंदरीकरण, सुशोभीकरण हुआ है, नवीनीकरण, वो ऐसा वेस्टर्न में, सेंट्रल में, हार्बर में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ये हमारे शहर के लिए, मीरा भाईंदर के लिए बड़े गर्व की बात है। जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण से यही आशीर्वाद की कामना करते हैं कि शहर में सुख समृद्धि शांति और सच्चरित्र लोगों का यहाँ पे सत्ता पे कब्जा हो और परिवर्तन हो। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। फूलकली चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप सभी शहरवासियों को, आरएमपी पार्क के लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट मुजफ्फर हुसैन जी ने भी बहुत सारे कार्यक्रम को रद्द करते हुए और जितने भी कार्यक्रम में जो अनुदान दिया जाता है या खर्चे होते हैं, उन खर्चों को बाढ़ पीड़ित लोगों की तरफ मोड़ दिए ताकि वहां कुछ मदद मिल सके। हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री मुजफ्फर हुसैन साहब जी आए हुए हैं। फूलकली गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो आयोजन किया गया है, छोटे भाई अजीत एडवोकेट जी ने अच्छा आयोजन किया है और इसी तरह हम ऐसा आयोजन करते रहें ताकि लोगों में एक विश्वास जागता रहे कि मतलब दही हंडी बहुत ही अच्छी तरह से मनाई जाए इस एरिया में। और आने वाला समय सबका सुखमय रहे। हमारे बीच में जितने भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं कमेटी के, सब टीम के, कांग्रेस की तरफ से माननीय मुजफ्फर हुसैन साहब जी बहुत ही अच्छे लीडर हैं और मीरा भाईंदर के लिए आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारे सभी उत्तर भारतीय भाई और जितने भी लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं ताकि एक अच्छा इंसान चुनने के लिए आप सबका अधिकार है। और अच्छा इंसान चुनेंगे तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, अच्छा कार्य होगा और अपना शहर अच्छा होगा। अभी तक जो पहले अच्छा कार्य किए हैं उसी की बदौलत मीरा भाईंदर अच्छा चल रहा है। नए कार्य में कुछ खास दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा आने वाले समय में परिवर्तन बहुत ही जरूरी है और परिवर्तन करके आप सब माननीय मुजफ्फर हुसैन जी को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं ताकि मीरा भाईंदर एक ऐसा शहर रहे जो कि आने वाले समय में बॉम्बे की तरह स्वच्छ और सुंदर शहर बने,
इसी की कामना की जा सकती है और अच्छे आदमी के हाथों में रहेगा तो अच्छा काम होगा। और आप सबसे विशेष निवेदन है कि सबको सहयोग करके हमारे साहब को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये जो दही हंडी का प्रोग्राम आयोजन किया है जन्माष्टमी के उत्सव पे, तो इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और हमारे मंच पर उपस्थित श्री मुजफ्फर हुसैन जी और सावन जी, अनूप जी, लक्ष्मण जी और मेरे सभी पदाधिकारी और भाई जो यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, सभी का यहाँ पर स्वागत है। और ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं यही बोलूँगा कि आज जो महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति है उसको देखते हुए इस साल काफ़ी लोगों ने ये प्रोग्राम में मतलब जो योगदान था वो पार्टी फंड से वहाँ पे दे रहे हैं कि वो लोगों की मदद की जाए जो बाढ़ पीड़ित हैं। और हम भी यही चाहेंगे कि सब लोग जिससे भी जो बने वो उस बाढ़ पीड़ितों की मदद करें जिस भी तरीके से हो। और हमारी पार्टी भी यही कोशिश कर रही है, हमने रैली भी की है और लोगों से मदद भी ली है और उसको हम वहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। आप लोगों को इसी छोटे शब्द के साथ मैं यहाँ पे अपना भाषण समाप्त करता हूँ और लोगों से मदद की अपील करता हूँ। धन्यवाद। फूलमती गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट से की तरफ से आयोजित ये दही हंडी उत्सव और भंडारा की व्यवस्था, मैं अजय एडवोकेट अजीत कुमार जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये हर साल इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे करते हैं। हमारे नेताजी मुजफ्फर हुसैन साहब यहाँ पे मौजूद है इस दही हंडी उत्सव पे। आप सभी ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं को, सभी यहाँ के रहवासियों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले गणेशोत्सव के भी इस मंच से आपको शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। फूलकली गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित आज का ये दही हंडी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये कार्यक्रम, हमारे मित्र श्री गुप्ता एडवोकेट अजीत कुमार गुप्ता सम्मान्य मंच, अजीत कुमार जी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो पिछले 3 सालों से ये कार्यक्रम का आयोजन करते चले आ रहे हैं। आज गोकुलाष्टमी है, साथ ही में महाराष्ट्र में आई हुई जो बाढ़ है वो एक बड़ी विकट समस्या राज्य के सामने है और इसी के चलते हुए सभी धार्मिक कार्यक्रम, व्यक्तिगत कार्यक्रम को जो है बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से लोग नहीं मना रहे हैं और पूर्वग्रस्त के लोगों को मदद करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं गुप्ता जी को और उनके चैरिटेबल ट्रस्ट को जो भी वो सामाजिक काम करते हैं उसमें बहुत सारी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मंदिर मंदिर